नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, एनडी भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रमुख खबर के साथ हम मौजूद हैं, तो देखते रहिए एनडी भारत न्यूज। भाड़ई स्टेशन कब बनेगा? भाड़ई जंक्शन, लेकिन सावधान, भाड़ई जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा आम आदमी। केंद्र सरकार एक ओर जहां तेज रेल चलाने के लिए राज्य सरकार को अनुरूपक बजट देती है, केंद्र सरकार की ओर से रेलवे बाईपास का जिक्र किया जाता है। केंद्र सरकार अनेकानेक योजना जनता को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार को भेजती है, लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार के नुमाइंदे इनको पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद आगरा के अंतर्गत आने वाले भाड़ई रेलवे स्टेशन की। भाड़ई रेलवे स्टेशन को अब भाड़ई जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है कि एक दो वर्ष में भाड़ई रेलवे स्टेशन का कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा और वहां यात्रियों के आने जाने की सुविधा भी हो जाएगी। बड़ी बड़ी ट्रेनें का ठहरवा जंक्शन पर होगा, लेकिन सवाल है कि बड़ी ट्रेनों के ठहराव के साथ आए हुए यात्री यहां किस रास्ते से अपने गंतव्य तक जाएंगे। बात राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर रोड से बाद गांव होते हुए आया लिंक रोड की ओर करें तो वहां भी पूरी तरह बदलाव और गड्ढा युक्त हो चुका है, जिसकी वजह से वह रास्ता पूरी तरह बंद हो। दूसरा, दक्षिणी बाईपास से कच्ची पट्टी का मार्ग बारिश के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भाड़ई जंक्शन पहुंचने का रास्ता कितना दुर्गम और दुर्लभ है। तो आप उम्मीद लगाएंगे कि बाहर से आए हुए सैलानी यात्री कैसे जंक्शन तक पहुंचेंगे। राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और दक्षिणी बाईपास से सटे गांव जारुआ कटरा हुआ कोठावली के मध्य से बाईपास वैकल्पिक मार्ग जो कि सीधा जंक्शन को जोड़ता है, उसे तत्काल प्रभाव से पक्का बनाकर यात्रियों को जंक्शन के लिए सुगम रास्ता मुहैया कराना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुरूपक बजट के साथ भाड़ई स्टेशन अब जंक्शन बन जाएगा, लेकिन क्या योगी की सरकार बदहाल रास्तों पर ध्यान देगी या फिर रेल से सफ़र करने वाले यात्रियों को गड्ढों में चोटिल होकर ही स्टेशन या जंक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। हाँ भाई राहुल।